हे गाइस, वेलकम टू द डबलेट डायरी। और ये हमारा पहला इंटर स्टेट ट्रैवल होने वाला है आफ्टर कोविड टाइम। तो हम जा रहे हैं गोवा। इस बार हम जा रहे हैं मेनली साउथ गोवा। तो अभी बज रहे हैं 2:50 और हमने कर दिया है ओला। हमको जाना है पनवेल स्टेशन, वहाँ से हमारा ट्रेन है। पहुंच चुके हैं पनवेल स्टेशन और ये पूरा खाली है। पूरा खाली है। एक्चुअली अभी करंटली रूल है IRCTC या इंडियन रेलवे का कि ट्रेन के जो टाइम है उसके 1.5 घंटे पहले, 90 मिनट्स पहले आपको स्टेशन पहुंचना है। थर्मल स्कैनिंग या जो भी इनकी फॉर्मेलिटीज़ है वो होगी, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं है। तो अभी वेट करते हैं, अगर कुछ भी प्रोसीजर होगा बैठते हैं तब तक। अभी तो हमको 1.5 घंटा है, मतलब पहली बार इतना जल्दी, मतलब फ्लाइट पकड़ने जैसा हो गया है अभी ट्रेन पकड़ना। हाँ। पर हमने कुछ हमारे दोस्तों से पूछा तो आप थोड़ा लेट आए तो भी चलता है वैसे, बट फिर भी रूल के हिसाब से चलो बेटर है। हाँ। तो बेटर है, तो बैठते हैं तब तक। ये जगह है, आप अगर इस टाइम पे अगर रेलवे में ट्रैवल करते हैं तो कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो आप नॉर्मल से अलग होंगी। तो आरोग्य सेतु जो है पता है आपको कंपलसरी अपने मोबाइल में डालना है। सेकेंड चीज़ तो ये है कि जो AC डब्बे में बेडशीट और कुछ नहीं मिलेगा, तो हमने कैरी करा है घर से एक एक। और तीसरा तो ये है ही, 90 मिनट पहले आना है। और खाने का सामान भी खुद से लेके आएंगे। हाँ, जो भी मतलब ट्रेन इस प्रकार की हैं कि जिसमें पेंट्री कार्ड नहीं होता है उसमें आपको खाना नहीं मिलेगा। जो भी पेंट्री कार वाली गाड़ी है, जैसे राजधानी, शताब्दी या जो भी लॉन्ग रूट गाड़ी है, उनमें आपको पैक्ड फूड और वाटर मिल जाएगा। तो उन सब में फिर भी आप ट्राई कर सकते हो, बट आपकी नो पेंट्री अगर गाड़ी है तो आपको घर से कंपलसरी लेके जाना है। हम थोड़ा बहुत लेके आए हैं, अगर लगा तो लेंगे, ट्राई करेंगे, अदरवाइज ठीक है। तो गाइस, ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया है, आने वाली है, अभी 20 मिनट है वैसे। और ये है ट्रेन नंबर 02432। ये है राजधानी, दिल्ली से चलती है त्रिवेंद्रम तक। ये COVID-19 स्पेशल बोलते हैं इसको। तो गाइस, अभी तक कोई थर्मल स्कैनिंग जैसा कोई चीज़ हुआ नहीं है। जो हमने सुना था होगा तो फिर फालतू में यार 90 मिनट पहले क्यों बुलाया है, मतलब 30 मिनट पहले बुला लेते, कुछ नहीं करना था। तो वीजा का जो सीट था वो था B1 में, हम अभी B1 में है, तो मेरा है B6 में, बट ट्रेन मतलब आधी खाली है, ठीक है। तो मोस्टली मैं यहाँ, हम दोनों आसपास में ही ले लेंगे सीट। TT आएंगे उनको बता देंगे, ऑब्वियसली खाली है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 10 बज रहे हैं और हम अपने साथ अपना ब्रेकफास्ट वगैरह लेके चल रहे हैं। ब्रेड, पीनट बटर और भी काफ़ी कुछ है। बस हम ब्रेकफास्ट करेंगे और काफ़ी चिल है, ऐसा कुछ ना टेंशन नहीं है। पूरे 8 लोग की सीट पे हम 2 लोग हैं, जल्दी हर इसमें ऐसा ही है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। पहुंच चुके हैं मदगांव रेलवे स्टेशन। बस अभी काफ़ी चहल पहल है। हाँ, चहल पहल है। बस हमारा काम है अभी एक स्कूटी रेंट करना है साउथ गोवा जाने के लिए। बस देखते हैं, कोई ना कोई मिल ही जाएगा बाहर। तो दोस्तों, गाड़ी मिल गया है, वो आ जाएगा, मेरा घर पे आ जाएगा। हाँ, आपका चालू है लाइव? हाँ हाँ, ओके ठीक है, घर का है। पास जाएगा, मिल जाएगा विजया। अरे एक्चुअली यहाँ पे कैसा, अभी चालू हो गया पूरा रेगुलर के है ना? चालू है सर, चालू। ये है गाड़ी हमारा अगले 5 दिन के लिए, मतलब 4 दिन के लिए, ठीक है। युवराज भाई निकलते हैं हम, ठीक है सर, चलते हैं। ये है युवराज भाई जिनसे हमने गाड़ी ली है।
तो गाइस पेट्रोल भराने के लिए एक स्टॉप लिया है और हमारा जो स्टे है वो यहाँ से कुछ 16 किलोमीटर है। अभी हमने एक पेट्रोल का बोतल जो मिलता है 90 रुपये का वो डलवा लिया था। अब पेट्रोल पंप पे आ गए हैं, पेट्रोल पंप पे लंबी लाइन है, ये देखो। हम पहुंच चुके हैं हमारे स्टे पे जिसका नाम है सीक्रेट गार्डन। यहाँ पे हमने लिया है एक बीच हट, ये बीच हट है, बाम्बू हट है और इसका सी फेसिंग है। ये काफ़ी बाम्बू हट है, हो सकता है दूसरा सी फेसिंग ना हो, तो काफ़ी सही जगह है ये चिल करने के लिए। बाहर एरिया भी दिया हुआ है ऐसा, आपको एक बार रूम दिखा देता हूँ। ये जो बाम्बू हट है ये हमको पड़ा है 1060 रुपीज़ समथिंग में, और कौन पर डे। पहली बार हमने हमारा होटल booking.com से बुक ना करके हमने अगोडा करके एक साइड है उससे बुक किया है। गूगल पे देख रहे थे तो उस पर सबसे सस्ता दिखा था इसका। बीच पे जा रहे हैं, ये बीच है अगोडा बीच, और इतने टाइम बाद फरवरी के बाद अब बीच पे आ रहे हैं। सही है, काफ़ी सही बीच है यार ये तो, काफी लंबा है एक्चुअली, पर अभी तक ये पूरा उधर से लेके शायद 2 किलोमीटर समथिंग है। तो गाइस बीच तो हम घूम रहे हैं ऐसे ही, नहाने का भी इच्छा नहीं है क्योंकि पहले खाना खाना है। सनसेट हो चुका है, बस देखते हैं कुछ खाने का मिले, कुछ ओपन दिख नहीं रहा ऐसा। इस खाने का दुकान मिल गया तो बस ऑर्डर कर लिया है। अभी अपने जाम रुके हैं, उससे थोड़ा सा वॉकिंग है। अभी बजा 7:15 समथिंग, पूरा अंधेरा हो चुका है और कुछ स्ट्रीट में ऐसा कुछ दुकानें वकानें या कुछ माहौल नहीं है, पूरा ठंडा है, कुछ करने का है नहीं, तो अपन अपने मिर्ज़ापुर का सीज़न ख़त्म करेंगे। हाँ और क्या, ट्रेन में थोड़ा कर लिया और अभी यहाँ पे और थोड़ा कल का प्लानिंग कर लेंगे, जल्दी निकल जाएंगे, जल्दी सो जाएंगे तो। yes.